चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पास ही के जंगल में बोरी में किसी अज्ञात का शव बरामद हुआ। सुबह तकरीबन 5:15 बजे जब एक स्थानीय निवासी वहां सैर कर रहा था तब उसका ध्यान इस बोरी की तरफ गया। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बोरी खोलने के बाद पता चला कि शव पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के करीब लग रही थी। मृतक के हाथ पांव भी रस्सी से बांधे गए थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने साथ लगते सेक्टर 56 के रिहायशी इलाके से लोगों को शव की शिनाख्त भी करवाई गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ना हो इसलिए उसके चेहरे पर कोई एसिड भी डाला गया था। वहीं मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन के SHO दिलशेर चंदेल के अनुसार ये हत्या का मामला बताया जा रहा है और अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक शव को देर रात मारकर उसे यहां फेंका गया हो सकता है। सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो हमने जाकर वहां पे चेक किया तो डेड बॉडी एक बोरी में लिपटी पड़ी थी। तो ये 35-40 साल का एक आदमी है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई जिसको मारकर फेंका गया है। तो इसके रिगार्डिंग हमने केस दर्ज कर दिया और आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बॉडी इवेक्यूएट करके जनरल हॉस्पिटल भेज दिए। तो कोई चोटों के निशान भी है शरीर पर या कुछ? सुनने में एसिड वगैरह फेंका गया था? नहीं, अभी हम ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पे छाले वगैरह पड़े हो। तो ये परज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कोई केमिकल वगैरह फेंका हो उसके ऊपर, लेकिन बाकी जो सारी कार्रवाई है पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। तो अभी मर्डर का मामला दर्ज किया है? हाँ जी, मर्डर। तो आसपास के लोगों से आपने पहचान करवाने की कोशिश की? हाँ, सारे कॉलोनी के लोगों को इकट्ठे करके पहचान करवाई है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की रिपोर्ट, नेशनल न्यूज़।